नासा के वैज्ञानिकों का दावा है कि हमारी पृथ्वी जैसी 4000 और भी ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जहां पर जीवन होने का संभावना 80% से भी अधिक है। लेकिन हमारे सूर्य से सबसे नजदीक तारा एकमात्र बर्नार्ड स्टार है, जो कि हमारे सूर्य से लगभग आकार में 5 गुना छोटा और करीब 58 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्नार्ड स्टार का चक्कर काट रहा एक ऐसा ग्रह है जहां पर एलियंस के होने का संभावना काफी ज्यादा है, और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 3 गुना आकार में बड़ा है और इसे सुपर अर्थ के नाम से भी कहा जा रहा है। वैसे तो नासा के साइंटिस्टों का दावा कई बार गलत साबित हो चुका है, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमसे भी उन्नत सभ्यता की खोज जारी ही रहेगी। लेकिन बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण हम एलियन से अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए, जिन्हें सुनकर शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के द्वारा जारी किए गए कुछ रीजंस आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारा यकीन मानिए, ये रीजंस आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। रीजन नंबर 1, देसी डायनासोर्स। अगर एलियन रहस्य ग्रह हमारी पृथ्वी से 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर है, तो उनके पास मौजूद एडवांस टेलीस्कोप के माध्यम से देखने पर भी हमारी पृथ्वी पर क्रिटिशियस पीरियड यानी कि पृथ्वी पर डायनासोर्स के समय का दृश्य दिखता होगा, और उन्हें लग रहा होगा कि पृथ्वी पर अभी तक सिविलाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ है, और यह समझ कर शायद वे नहीं आ रहे हैं। रीजन नंबर 2, नो रिसोर्सेज टू यूज। शायद एलियंस के लिए जो रिसोर्सेज की मात्रा जरूरत है वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद ही ना हो, जैसे कि पेट्रोल, यूरेनियम और भी कई सारी कीमती चीजें हो सकती है जो हमारी पृथ्वी पर खत्म होने के कगार पर है, या फिर हमारी पृथ्वी पर मौजूद ही ना हो। रीजन नंबर 3, अर्थ इज रेडी टू डिस्ट्रॉय। शायद एलियंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले से ही मालूम कर लिया गया होगा कि उन सब के पहुंचने से पहले ही हमारी पृथ्वी किसी उल्का पिंड के टकराने से नष्ट हो जाएगी, और ऐसा सोचकर भी शायद वे नहीं आ रहे हैं। रीजन नंबर 4, कम्युनिकेशन बैरियर। शायद एलियंस हम सब से कांटेक्ट करने के लिए कई सारे सिग्नल्स भेजे होंगे, लेकिन उन सब के सिग्नल फ्रीक्वेंसी को हमारी साइंस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई होगी, या फिर उन लोगों की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक हम डेवलप ही नहीं कर पाए हैं। हमारे पास मौजूद रेडियो सिग्नल ही एक जरिया है उन लोगों से कॉन्टैक्ट करने का, और शायद हमारी इस टेक्नोलॉजी को वे यूज ही ना करते हों। रीजन नंबर 6, दे वॉक अमॉन्ग अस। शायद एलियंस किसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाकर हम सबके बीच घुल मिल कर जी रहे होंगे, या फिर ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी से हमारी पृथ्वी की गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, जो एलियंस के आने का समय अभी पूरा नहीं हुआ होगा। वैसे तो नासा के वैज्ञानिक एक स्टेटमेंट जारी किए हैं कि 2034 तक एलियंस से कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। रीजन्स चाहे कुछ भी हो, अगर एलियंस डायरेक्टली हम इंसानों से कॉन्टैक्ट करके पृथ्वी पर आ गए तो अभी का हम सबके सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा, जैसे कि लाइफ, गॉड, रिलीजन एक्सेट्रा। आप सबको कौन सा ऐसा रीजन लगता है जिससे हम अभी तक एलियन से कांटेक्ट नहीं कर पाए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।